मेरी माँ बचपन में छोड़कर उषा देवी थी दीदी, वो मर गई। मेरा पिताजी आर्मी से रिटायर होकर इलाहाबाद प्रयागराज में मकान बनाया है, धूमनगर थाना के बगल में। ठीक, एसपी का सब रिसीविंग है। हम झूठ बोलेंगे, रिसीविंग गलत नहीं ना बोलेगा? बोलिए। अब बताइए दीदी, मैं कैप्टन का आर्मी वाला का लड़का हूँ तो मैं पगला हूँ तो उसका वो तीन गो लड़का है स्टेप मदर से निकला है वो भी तो पगला है। हम इतना दिक्कत में है ना दीदी की, देखिए डंडा चला दिया कि नहीं करेंगे FIR लाएगा? बताइए आखिर दीदी, ये जो रिसीविंग है इस पर भारत सरकार का मोहर लगाया है, लगा है कि नहीं, पहले बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार के भोजपुर से एक शख्स चलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए हैं। इनकी शिकायत ये है कि इनके पिता ने दूसरी शादी की, आर्मी में है इनके पिता और इसके बाद इनको उनकी संपत्ति का हिस्सा नहीं मिल रहा है और इनके साथ ज्यादती की जा रही है। और तो और पुलिस वाले भी इनकी मदद नहीं कर रहे हैं और इन पर लाठियां चला रहे हैं। तो साफ तौर से क्या पूरी कहानी है, क्या पूरा मामला है, इनसे ही जानते हैं क्या हुआ था। भैया शुरू से बताइए। शुरू से मेरी माँ बचपन में छोड़कर उषा देवी थी दीदी, वो मर गई। तो हमारा पिताजी का आर्मी से रिटायर है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग गए, मेरा पिताजी दूसरा शादी हो गया तो उसका तीन गो लड़का है। मेरा पिताजी आर्मी से रिटायर होकर इलाहाबाद प्रयागराज में मकान बनाया है, धूमनगर थाना के बगल में। ठीक, तो उसके बाद बचपन से स्टेप मदर के द्वारा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है हमको। हम एसपी समेत देखिए ये कितना आवेदन दिए खा रहे हैं, आपको देखिए एसपी का सब रिसीविंग है। हम झूठ बोलेंगे, रिसीविंग गलत नहीं ना बोलेगा? बोलिए। इस पर लिखा है कि इस पर लिखा है मैडम सेवा में जिला पदाधिकारी महोदय, देखिए ये जो मैं आवेदन लिखा हूँ जिला पदाधिकारी को, ये सारा रिसीविंग है, यहाँ पर न्याय नहीं मिलता है। ठीक है, इस पर लिखा है देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भोजपुर आरा बिहार, श्रीमान के अनुसार सौतेली माँ के द्वारा मारा जा रहा है, पीटा जाए, और मेरा फादर भी मिला हुआ है जो आर्मी का कैप्टन है स्टेप मदर के साथ। आइए देखिए, ये आपको रिसीविंग दिखा रहा हूँ, ये रिसीविंग कैसे कर सकते हैं कि गलत है? बोलिए, पागल हमको साबित किया जा रहा है, पागल आदमी यहाँ आएगा? ये देखो बहोरमपुर ओपी को जो मैं थाना को जो मेरा गांव है वहाँ पर तो ये कितना दिन पहले का देखिए ये दिया हुआ। हम शिकायत करने गए तो क्या कहे एसपी साहब के पास? शिकायत एसपी साहब के बार बार जा रहे हैं तो एसपी साहब को मेरा स्टेप मदर फादर के द्वारा कह दिया जा रहा है कि पगला है, पगला है। अब बताइए दीदी, मैं कैप्टन का आर्मी वाला का लड़का हूँ तो मैं पगला हूँ तो उसका वो तीन गो लड़का है स्टेप मदर से निकला है वो भी तो पगला है? मैं मेरा माँ मर गया था, हम पगला है? हम लोहिया स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी का कचार नंबर वार्ड के लच्छू टोला पंचायत के कचरा फेंकते हैं दीदी। हम इतना दिक्कत में है ना दीदी की, देखिए डंडा चला दिया कि नहीं करेंगे FIR वो? बोलिए दीदी, हम कहाँ जाए? बोलिए हम किसके पास जाए? ये देखिए ये सब रिसीविंग आपको दिखा रहे हैं, एसपी का भी रिसीविंग दिखा रहे हैं। रुकिए सर, ये देखिए, ये लिखे, ये गलत नहीं है, इसको लेटर को बढ़िया से दिखाइए सबको पूरा। तब ना मुगा आर्मी के कैप्टन के लड़का के साथ ऐसा कैसे हो सकता है सर, अभी बताइए दीदी। अच्छा, जनता दरबार के अंदर गए आप? मैं अभी गया, गए थे, लेकिन हाँ मैं एक बार नेक्स्ट मंडे को भी जनता दरबार में DGP का गया था। अपनी समस्या बताई? हाँ, तो सीएम नहीं मिले, सीएम को मिलने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नहीं हम करा पाए दीदी, नहीं हम मजबूर है। हम अगली बार जनता दरबार में तो क्या मांग करेंगे? क्या हम जनता दरबार में मुख्यमंत्री के पास नहीं आना चाहते हैं? हम मीडिया वाला सहारा का हमको न्याय चाहिए, जो अपना जो मेरा मीडिया वाला आपको थोड़ी न्याय दिलाएगा? बताइए आखिर दीदी, ये जो रिसीविंग है इस पर भारत सरकार का मोहर लगाया है, लगा है कि नहीं, पहले बताइए। अब मीडिया वाला है, ये बार बार ये जिला पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं, चाहे ये देखिए एक और ये जिला पदाधिकारी को रिसीविंग है, ये जिला पदाधिकारी का, एसपी का, डीएसपी का, बोहरमपुर ओपी थाना को जो आवेदन दिया, ये सच्चाई का लड़ाई कागज पत्र और दिखा रहे हैं आपको। रुकिए, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं दिखा रहे हैं ना, करें क्या करेगा, वही ना पूछ रहे हैं क्या हेल्प करेगा, हेल्प कागज पत्र का लड़ाई करिए, हेल्प करना है कीजिए, नहीं कीजिएगा तो भगवान हेल्प करेगा, मर जाएंगे तो हेल्प अपने हो जाएगा। कैप्टन का लड़का है, ये देखिए ये रिसीविंग गलत है। बोलिए हम कहाँ जाएं? ये देखिए मारा है तो पट्टी बांधे हैं, कोई नहीं, घर से मारपीट का निकाल दिया गया है, उस पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। हमको बचपन से ही मार कर निकाल गया दिया था, वहाँ पर प्रयागराज में जो मेरा फादर मकान बना है, मैं वहाँ पर गया था थाना पुलिस का एक हेल्प के लिए होता है दीदी, मैं गया कि पुलिस वहाँ से चौकी से लेकर गया था, चौकी निवा चौकी होता है धूमनगंज थाना के पास है, मैं वहाँ से सर अधिकारी को ले गया। मैं पुलिस के जाने के बाद ही लोग दरवाजे में बंद कर कहूँगा हम डंडन डंडन मारा है,
हाँ। अच्छा अब बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप सरकार से अब क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं साहब कि हम आर्मी के कैप्टन के जो लड़के हैं, हम इस दरवाजे से उस दरवाजे भीख मांग कर नहीं खाएं। हमको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा चाहिए। तो हम कमाते हैं ना, लोहिया स्वास्थ्य विभाग में कचरा फेंकते हैं दीदी, इसीलिए हमको मारा पीटा जा रहा है। कचरा काहे फेंक रहा है, कमाते नहीं है, मेरे को पढ़ने लिखने दे दिया। क्या है आप इतना कागज पत्र लेके आ रहे हैं, मांग क्या है आप? क्या चीज मांग है? कि हमको न्याय मिलना चाहिए। आखिर मानस सौतेली है, पिताजी तो हमारा अपना है कि नहीं? आप संपत्ति में हिस्सा चाहते हैं? हाँ, तो हमारा नहीं रखिएगा, नहीं खाने का दीजिएगा तो मरिएगा पीटिएगा नहीं ना। अब देखिए ये दीदी, ये देखिए क्या किया है, डंडा चला दिया थाना वाला, FIR करने से गए, मेरे पास पैसा नहीं, कहा कि हम पागल हैं, हमको पागल साबित किया जा रहा है। क्या सबूत है कि पागल? अच्छा, आपसे बात विचार व्यवहार संस्कार ठीक नहीं है, आगे क्या सबूत है? आपको लग रहा है कि मैं पागल हूँ? बोलिए। चलिए ठीक है, तो देखिए नीतीश कुमार के जनता दरबार में ये भी व्यक्ति आए हैं, अपनी सौतेली माँ से ये पीड़ित है और अपने घर से यानी कि अपने पिता की संपत्ति से ये हिस्सा चाहते हैं है और इसी को लेकर के ये यहाँ पर पहुँचे हैं और ज्यादती इनके साथ की जा रही है, तो इसी शिकायत को लेकर के यहाँ पर पहुँचे। तो देखिए किस तरीके से इनकी हालत हो गई, इन्हें मारा पीटा जा रहा है, इस वजह से काफी ज्यादा ये परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए हैं। किस तरीके से इन्हें मारा पीटा गया वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।